शाहपुर पुलिस ने 9 अप्रैल को क्षेत्र में हुई हत्या में शामिल दो शातिर शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार बी ने बताया, शाहपुर थाना क्षेत्र में 9 अप्रैल को रहस्यमयी ढंग से सनसनीखेज हत्या की घटना को अज्ञात हमलावरों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को उसके घर पर आवाज देकर गोली मारकर अपराधी फरार हो गए थे। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि शाहपुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही थी एवं सर्विस लांस के माध्यम से खोजबीन करते हुए सनसनीखेज हत्या की घटना को रहस्यमयी ढंग से अंजाम देने वाले अज्ञात शूटरों को चिन्हित करते हुए रेलवे यांत्रिक कारखाना के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान परवेज अंसारी पुत्र अलाउद्दीन अंसारी निवासी धर्मपुर निकट लिटिल फ्लावर स्कूल थाना शाहपुर तथा मनोज सोनकर उर्फ पट्टू सोनकर पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद्र सोनकर निवासी आवास विकास कॉलोनी धर्मपुर थाना शाहपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश, क्राइम ब्रांच प्रभारी सुशील शुक्ला, स्वाट टीम प्रभारी सादिक परवेज, एसओजी प्रभारी चंद्रभान सिंह, कवाबाग चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह, असुरन चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सिंह, स्वाट टीम हेड कांस्टेबल राशिद अख्तर खान, मोहसिन खां, स्वाट टीम एसओजी हेड कांस्टेबल प्रदीप राय, एसओजी कांस्टेबल इंद्रेश वर्मा, कांस्टेबल गुलफाम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, ये थाना शाहपुर में 9 अप्रैल को एक मर्डर हुआ था वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति का, जो कि अपने घर पे सो रहा था। बाहर दो बदमाश आए, दरवाज़ा कटकट यानी गेट कटकटाया, सुनते आवाज़ सुन के प्रथम तल से बाहर निकला, नीचे से 32 बोर के पिस्टल से 2 फायर हुआ, उसी में उनको सर पे गोली लगी, वहीं वो ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है। इस क्रम में पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर के सूचना के अनुसार थाना पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके दो बदमाशों को पकड़ा गया, जिसका नाम है परवेज अंसारी एवं मनोज सोनकर, जो कि पूर्व में भी हत्या जैसे घटना कारित कर चुके हैं। इनकी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई, 32 बोर के पिस्टल इनसे बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके पूछताछ के दौरान चीज़ें निकली है कि वेद प्रकाश और परवेज अंसारी एवं उसके छोटे भाई छोटू अंसारी के बीच में मनमुटाव किसी बात को लेके हुआ था, जहाँ पे ये लोग बैठ के नशा करते हैं एक जगह पे, वहाँ हाथापाई तक हो गया था। परवेज अंसारी अपने को बड़ा अपराधी समझता था और अन्य लोगों के सामने उसकी बेइज्जती महसूस करता रहा, तो ठीक से उसके अपने परिवार के एक फंक्शन से पहले प्लान बनाया ताकि फंक्शन की बहाना पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी, तो बीच में अपने साथी मनोज सोनकर के साथ मिलके पूरा घटना जो है जो सीसीटीवी में कैद हुआ, मात्र 1 मिनट के अंदर ये आए और फायर करके वापस चले गए और पूरा घर से चले, और ये घटना सब मिला के 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा पूर्व सुनियोजित तरीके से प्लान्ड तरीके से कारित करके पुलिस को हमेशा धोखा में रखे रहा है। पुलिस के बुलाने पे भी ये कई बार अपना शादी का वीडियो भी दिखाया, अपने घर के शादी का भी वीडियो दिखा के पुलिस को गुमराह करता रहा। मुखबिर की सूचना के अनुसार घेराबंदी करके पुलिस ने इनको पकड़ा और घटना का अनावरण किया।
देखिए, वेद प्रकाश के दोस्तों का आपराधिक इतिहास है, जो कि पूर्व में कोतवाली में एक व्यापारी के मुनीम से लूट करने के योजना के दौरान पकड़े गए हैं। तो वो उसमें भी वेद का नाम बाद में आया, बट उसमें पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ कोई साक्ष्य ना पाते हुए छोड़ा गया था। इसी क्रम में हम लोगों ने जो इनके आपराधिक इतिहास या इनके दोस्तों के आपराधिक इतिहास से कंगालते कंगालते यहाँ तक पहुँचे। मुख्य घटना दो अपराधियों के द्वारा कारित किया गया है। इसके बैकअप में गाड़ी देने में और प्लानिंग करने में और किसी का शामिल जो कुछ लोगों का नाम आया है, उसको भी हम प्रयास करके गिरफ्तार करके पूछताछ के दौरान साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।